नमस्कार, लाउ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। आज हम काफी लेट हो गए, हमने 7:15 बजे से इस शो को करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज कुछ ऐसे लाइव हमारे पास आ गए जिनके लिए हमें अपना शो आगे बढ़ाना पड़ा। आपकी कृपा है, अगर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप बाद में भी देख लेंगे, पर मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं कि देर से ही सही, लेकिन मैं आपके सामने द संतोष भारती शो में आया हूं। मैं हूं संतोष भारती। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में, और मुस्कुराने की सबसे बड़ी बात पहली कि इस देश में एक प्रदेश है महाराष्ट्र, वहां एक जगह है भिवंडी। भिवंडी सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है। भिवंडी कई वजहों से लोग कई तरह से उसका नाम लेते हैं, लेकिन वहां के एक किसान ने हेलीकॉप्टर खरीदा है। हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा है? दूध का अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और दूध को दूसरे शहरों में जल्दी जल्दी ले जाने के लिए। उसने पिछले 20-30 सालों से उसके परिवार में खेती हो रही है और दूध का बिजनेस हो रहा है। उसने उस सारे पैसे को बचाया और अब हेलीकॉप्टर खरीदा है, इसलिए कि उसे अपना दूध दूसरी जगह जो वो भेजता था खराब भी हो जाता था और पैसे भी ज्यादा लगते थे, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद उसने अपने गाँव के साथियों को, बुजुर्गों को बैठा के पहले गाँव का चक्कर लगाया, वो सब बहुत खुश है। और एक किसान ने 30 करोड़ में हेलीकॉप्टर खरीदा, इसको लेकर के आसपास बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। वो अरबपति नहीं है, उसने पैसा डाका डाल के नहीं कमाया, उसको किसी ने पैसा गिफ्ट नहीं किया, वो पैसा उसने अपनी मेहनत से कमाया है, उसके परिवार ने मेहनत की और दूध के बिजनेस से। ये उदाहरण इस देश के बहुत सारे किसानों के लिए है। आप जब मेरी बात आज सुन रहे हैं तो पता नहीं मैं जहां पर हूं, यहां बहुत किसी बात को लेके खुशी है। आसपास ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, वैलेंटाइन डे तो खत्म हो गया लेकिन आज क्यों बज रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बज रहे हैं बहुत तेजी के साथ और शोर हो रहा है। तो मुझे आशा है शायद मेरी बात तो आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ परेशानी आपको होगी। दूसरी बात जो हंसने की है वो ये है कि इतना बड़ा भारत देश 130 करोड़ की ताकत, इतनी ज्यादा पुलिस इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस सबको होते हुए भी हमारे जो एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को बरगलाने में पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल काम कर रहे हैं। सवाल ये पूछे कि पाकिस्तान से आए हुए टहलते हुए जो आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं और हमारे इतने सोफिस्टिकेटेड यंत्र जो सीमा पे लगे हैं, जिसके बारे में दावा किया गया था कि हमने इतने महंगे यंत्र इसराइल से खरीदे हैं कि अगर एक लोमड़ी भी उधर से इधर या इधर से उधर जाएगी तो हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे, उस देश में सुरंग बन जाती हैं, नदियों से पैदल चलते हुए लोग आ जाते हैं, तार काट देते हैं, हमारे देश में आ जाते हैं, वारदात करते हैं और गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि 4 या 5 थे जिसमें से 1 या 2 मारे गए। मैं ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं? सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि मुझे लगता है कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल में कहीं कोई कमजोरी। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हर बार यही तर्क दिए जाते हैं, तो वो यंत्र कहां गए जो इतने महंगे यंत्र खरीदे गए थे? ये सुरंगे जो आप देखते हैं टेलीविजन के ऊपर हमारे और पाकिस्तान के बीच में, वो 1-2 घंटे में नहीं बनती, उसे बनाने में कम से कम हफ्ता, 10 दिन 15 दिन लगते हैं, और जिस करीने से उसकी कटाई होती है लगता है कि प्रोफेशनल्स ने उसे काट के तय किया है। और उस सुरंग से पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, और तब अचानक हमें पता चलता है कि उस जगह पर एक सुरंग है और जिसका
टेलीविजन पे प्रचार होता है कि ये सुरंग पाकिस्तान ने शैतानी करके बना ली और आतंकवादी इसके जरिए भेजे, तो हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की शैतानी, पाकिस्तान का सुरंग बनाना जायज है, क्योंकि वो उसका काम है, वो आपको दुश्मन देश मानता है। आप तो पाकिस्तान को दोस्त नहीं मानते, आप उसे दुश्मन मानते हैं, तो आप अपने यहाँ सर्वेलेंस क्यों नहीं रखते कि अगर कोई सुरंग बना रहा है तो आपके जो डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स हैं वो आपको क्यों जवाब नहीं देते? बुरा मत मानिएगा, शायद इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। नाम सेंसर से युक्त एपरेटस का है, दावा था कि लोमड़ी भी इधर से उधर नहीं जा सकती, तुरंत पकड़ी जाएगी, और यहां पर पिछले सालों से जब से ये यंत्र खरीदे गए हैं तभी से पाकिस्तान से टहलते हुए आतंकवादी आते हैं, वारदात करते हैं, चले जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग मारे भी जाते हैं यहाँ पे, उनमें भी पाकिस्तानी कम होते हैं, अपने ही देश के लड़के ज्यादा होते हैं। तो ये पाकिस्तान से आने वाले कहाँ जाते हैं, ये सुरंगें क्यों बनती हैं? अगर हमारे ही देश के लड़कों के ऊपर गोली चलनी है और वो आतंकवाद में शामिल है तो ये सुरंगें कौन बनाता है, और वो आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, और उस उन पुलिस अधिकारियों से बात क्यों नहीं होती जो जिनका इकबालिया बयान है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, जिनका केस कोर्ट में है कि हम बॉर्डर से लेकर के और कश्मीर पार कराते हुए दिल्ली तक हम आतंकवादियों को लाते थे, उनका स्टेटस क्या है, केस का स्टेटस क्या है, सत्य क्या है, कोई नहीं बताता। और तब अचानक किसान आंदोलन होता है, 26 जनवरी आती है, और 26 जनवरी के पे अपनी काहली छुपाने के लिए ये कहा जाता है कि एक बेंगलोर की लड़की है दिशा रवि, 21 या 22 साल की, और एक दिल्ली की कोई लड़की है, इन दोनों लड़कियों ने एक तरीके से पता नहीं क्या टूल किट बनाई। अब टूल किट भी मैं तो जानता नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे, ये नए नए लफ्ज हैं जो गढ़कर के सिक्योरिटी एजेंसी हमारे सामने फेंक रही है। तो उसने टूल किट बनाया, टूल किट का मतलब जो मैं समझा हूं कि उसने किसानों को इंटरनेट के जरिए से जानकारी दी कि आप किस तरीके से पुलिस का घेरा तोड़ सकते हैं, पुलिस को चकमा दे सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आदि आदि, जितना मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊ। तो ये दो लड़कियों ने हमारे देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बता दी, और हमारा पूरा देश इन दो लड़कियों से डर गया, और हमारे देश में जितनी भी अशांति है या 26 जनवरी को जिसे हिंसा कहा जाता है, मैं बार बार सवाल पूछता हूं, हिंसा कहां? एक आदमी नहीं मरा, किसी की टांग नहीं टूटी, गोली नहीं चली, ये सरकार के समर्थक गार्ड्स या पुलिस दरवाजा खोलते दिखाई दिए, और कुछ लोग जो वहां गए थे उनके फोटोग्राफ देश के 3 बड़े लोगों के साथ हैं, और भी बड़े लोगों के साथ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 3 लोगों के साथ तो हैं, ये लाल किला में घुस गए, और ये 4 दिन 5 दिन बाहर रहे पुलिस के नेटवर्क से बाहर, और वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डालते रहे, हमारी मर्जी होगी तब आएंगे, अभी हमें बहुत सारी और जानकारियां आनी है। ये एक लखा है जिसे अंडरवर्ल्ड कहा गया, और एक वो दीप सिद्धू है जिसके गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और सनी देओल के, धर्मेंद्र के साथ फोटो है। वो 26 जनवरी के बाद गायब हुआ है, उसका लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा किया है, पुलिस ने नहीं किया, किसानों ने पीछा किया, वो भाग गया, किसानों ने उसके वीडियो अपलोड किए जो भाग रहा है, वो किसान नौजवानों ने शायद जो गाड़ी चलाते हुए जा रहे होंगे, और वो जहां कहां जाके छुप गया वहां से उसने वीडियो बनाए, वीडियो क्लिपिंग्स, और सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू किया, और अपनी पूरी फिलॉसफी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं मिलूंगा तो बताऊंगा मुझसे किसने क्या कहा, आदि 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 सारी चीजें उसने की। उस समय पुलिस का साइबर सेल ये पता नहीं लगा सका कि वो वीडियो कहां से अपलोड हो रहा है, छोटा वीडियो नहीं था कि 1 सेकंड की बात होती, वो 5-5, 6-4 मिनट के वीडियो होते थे जो ये लोग अपलोड करते थे, और उसमें एक बार तो कहा गया कि वो जो लखा है दूसरे, वो आया सिंघू बॉर्डर पर और मिलकर के चला गया, इतना पुलिस को मालूम है, लेकिन पुलिस को यह नहीं मालूम कि वो कब आया, कब चला गया, किसके साथ आया, किसके साथ चला गया, और अपनी मर्जी से
जब उन्होंने चाहा तब सरेंडर किया, जिसे पुलिस ने कहा कि हमने इन्हें पकड़ लिया। अक्सर यही होता है, हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया तो उसके पहले क्यों नहीं पकड़ पाए थे आप? ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि, और फिर अब आपने 21-22 साल की लड़की को बेंगलोर की, आपने इस सारी चीज की जड़ में लगा दिया कि इसने सारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किए, सारे देश के खिलाफ, क्योंकि उसने किसानों को ये समझाया कि तुम कैसे दंगा करो, कैसे सामना करो पुलिस का, और कैसे फिर वहां से भाग जाओ दाएं बाएं, ये सारी चीज फैलाई। देश में लोग कम भरोसा कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल तो हर उस बात पे भरोसा करते हैं जो, क्षमा कीजिएगा, देश के हित के खिलाफ है ये सारी कहानी, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ, कमजोरी को बचाने की कहानी। देश की सुरक्षा में इंटेलिजेंस के लोग नहीं लगे हैं, राजनीतिक लोगों की इंटेलिजेंस में लोग लगे हुए हैं, किसानों के इंटेलिजेंस में लगे हैं, पत्रकारों के इंटेलिजेंस में लगे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहा है, कहाँ खाना खाने जा रहा है, इस ये सबसे आसान है इंटेलिजेंस की यूनिट्स के लिए, और वो उस काम को बखूबी कर रहे हैं। उनके पास इस समय काम पाकिस्तान से घुसपैठी आने वालों का नहीं है, उनकी कोई पहुंच चीन की गतिविधियों पे नहीं है, इसलिए जब गतिविधियां हो जाती हैं तब देश पे को एक छोटी सी चीज बताई जाती है। पाकिस्तान के लोग जब आके चले जाते हैं तब वो उसकी खबर करते हैं, क्योंकि उनका उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, उनकी प्रायोरिटी इस देश के वो लोग हैं जो देशभक्त हैं, क्योंकि ये सारा काम उन अधिकारियों और मंत्रियों की मनी भगत से हो रहा है जो इस देश के हित के खिलाफ। और क्षमा कीजिएगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो ये काम कर रहे हैं, जो ये ढील दे रहे हैं, ये सब देशद्रोही लोग, देशद्रोही है ये सब, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और इस चीज को प्रधानमंत्री को प्राथमिकता के तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा के लिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि सुरंग बन जाती है, हमारे वो यंत्र कहां जाते हैं जो इसराइल से खरीद के आए? क्यों सेंसर खामोश है, क्यों सेंसर खराब है? कभी एक भी नहीं पकड़ा गया। जो पकड़े जाते हैं वो इन तस्करों से मिली भगत से पकड़े जाते हैं कि तुम हमें 3-4 लोग पकड़ा दो ताकि हम देश को दिखाएं कि हम भी यहां हैं। ये भ्रष्टाचार का घुन, ये देश का घुन किन किन एजेंसियों में लगा है, किन किन सिक्योरिटी फोर्सेस में लगा है, और क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो देवेंद्र सिंह जो डीएसपी एसपी रैंक का था जम्मू कश्मीर में, वो बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक आतंकवादियों को कितनी बार लेके आया, उन्होंने क्या क्या वारदातें की, ये घटना तो कहीं नहीं आई। क्यों दरबारी हरामजादों चैनलों, माफ कीजिएगा मैं गाली दे रहा हूं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आया कि देवेंद्र सिंह कहां कहां आतंकवादियों को लेके आया, कि छोड़ के गया, उसको तुमने कोई खुलासा नहीं किया? सब देशद्रोही कमबख्त ये टेलीविजन चैनल जो न्यूज चैनल है, और हां एलिबाई बनाते हैं ताकि इन लोगों की कमजोरियां छुपी रहें। पुलवामा के शहीदों के ऊपर जश्न मनाने वाले कमीनों उन घरवालों के दर्द को नहीं दिखा पाए। पुलवामा हमले के ऊपर तुमने दांत चियारते कुछ लोगों के फोटो दिखाए, लेकिन उनके घर वालों के आंसू नहीं दिखा पाए, जिन्हें पैसा नहीं मिला, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है क्योंकि उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वो 40 शहीद जिनकी दम पर एक सरकार दोबारा आ गई, उनके घर वालों की व्यथा दिखाने का मौका इन टेलीविजन चैनलों के पास नहीं था। ये अपने को देशभक्त चैनल कहते हैं, देशद्रोही चैनल। मैं ये सारी बात बड़े दर्द और तकलीफ से कह रहा हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि टोटल सिक्योरिटी सिस्टम को इस देश के सुधारिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो कभी हादसा हो जाएगा, और शायद आपको लोगों ने इसीलिए समझाया कि पुलवामा की कोई जांच मत कराइए,
अकेला ऐसा हमला हुआ बाहर का जहां हमारे 40 शानदार जानदार सिपाही शहीद हो गए, सीआरपीएफ के, जो सेना का ही एक छोटा रूप है, क्योंकि जब वो हटते हैं तो सेना उनकी जगह जाती है। इन जवानों की शहादत के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं आई। 300 किलो आरडीएक्स कहां कहां घूमता हुआ आया, और वो 300 ही किलो था या 600 किलो था, 300 किलो कहां कहां निकला, वो कार किसके थे, कोई जानकारी देश को किसी ने नहीं दी। अब हम तो जानकारी दे नहीं सकते, जो इन्वॉल्व लोग हैं वो देवेंद्र सिंह दे सकता था और लोग दे सकते थे, लेकिन देश के सामने तो कोई जानकारी नहीं आई। हाँ, उसे लीपा लीपने में पोतने में कौन शामिल है, हमारे देश के न्यूज चैनल शामिल, सोशल मीडिया पे लोग मांग करते करते अपनी आंखों के आंसू गिराते गिराते खामोश हो गए, लेकिन न सरकार ने सुनी, न एजेंसीज ने सुनी, और न इन दलों ने सुनी, ये दलाल चैनल। ये जो भाड़ हैं, जो ढोल बजाते हैं, किसी ने मांग नहीं की कि अगर कोई इंक्वायरी या कोई सत्यता कहीं जाहिर हुई है तो वो देश के लोगों को भी बताई जाए, उन्हें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सांत्वना मिलेगी कि हाँ हमारे साथ ये गड़बड़ हुई, इन लोगों ने देशद्रोहिता का काम किया, गद्दारी की। नहीं, अब इस पे किस किस को क्या कीजिए, किस किस को रोइए, क्या कहें। तो मैं अब आखिर में आपसे ये कहता हूं कि किसान आंदोलन को सबसे बड़ी मदद गांधीवादियों की मिली। गांधी के नाम पर चलने वाले लोग, संस्थाएं, सर्वोदय संस्थाएं अभी भी नैतिकता के नाम पर टापू हैं, लेकिन हैं वो लोग। महात्मा गांधी की पौत्री तारा गांधी भट्टाचार्य के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची और वहां जाके राकेश टिकैत से वो मिली, उनसे बातचीत की और उन्होंने अपनी राय वहां रखी और उनसे कहा कि आप सही रूप में गांधी जी के आदर्शों के ऊपर चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहिए। रामचंद्र ही तारा गांधी भट्टाचार्य, रामचंद्र ही गांधी स्मारक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां आज मेरी उनसे बात हो रही थी। उनकी बातचीत से मुझे ये लगा कि वो लोग राकेश टिकैत से, जो किसान संयुक्त किसान मोर्चे के प्रवक्ता हैं, उनसे ये कह के आए हैं कि आप को जब हमारी जरूरत हो, हमने इसी समय आपके समर्थन में उपवास रखा है और हम लोग आपके इस पूरे आंदोलन के साथ हैं। और उनका ये कहना किसानों को बहुत बल दे गया और ये बताता है कि अगर गांधीवादी भी इनके साथ जुड़ गए, जिन्हें देश में गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, गांधी के विचारों के प्रवक्ता के नाते, उनके अनुयायी के नाते जाना जाता है, गुनुआ के अनुयायी के नाते जाना जाता है, तो ये किसान आंदोलन को एक बड़ा संबल मिला है, बहुत बड़ा साथ मिला है। और ये साथ इस देश के नौजवानों को और बाकी बचे हुए लोगों को बहुत सुख देगा। जब पार्टियां किसानों के नाम पे कुछ करती हैं तो वही होता है जो आज राजस्थान में कांग्रेस की रैली में हुआ। अनऑर्गेनाइज रैली, मंच पे भीड़, राहुल गांधी बोले तो फिर ये हुक्म हो कि सब लोग मंच से नीचे उतर निकल जाएं, तो मंच पे आप चढ़ने ही क्यों देते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज पार्टी है। ये अपना भी नुकसान करेगी और किसान आंदोलन का भी नुकसान करेगी। किसानों की पंचायतें जो बिना किसी नेता के गांव में हो रही हैं, सुपर सक्सेस, एकदम नीट क्लीन शांतिपूर्ण और मुद्दों के ऊपर हो रही है। उनके यहाँ कोई और मुद्दा नहीं है, उनके यहाँ नरेंद्र मोदी भी मुद्दा नहीं है, उनके यहाँ मुद्दा है 3 कानून जिन्हें अविलंब रद्द होना चाहिए, और उनके यहाँ मुद्दा है MSP
न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर किसान को मिले उसकी फसल का, और फसलों की सूची दोबारा बनाई जाए, यही तो मांग है। और हम बार बार अपनी चर्चा में, मेरे जैसे जो और लोग हैं, वो प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपा करके इन मांगों को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमने जो सोचा वही देश के लिए सही है, हो सकता है सही हो, लेकिन आप ही एक बार इसको टाल दीजिए, और जो जिन्हें नहीं लगता है कि ये सही है उनके साथ बैठ के आप बात कर लीजिए, और उनकी बात मान के कहिए ठीक है हम ही इसको 4 साल के लिए टालते हैं, और 4 साल के बाद हम नए सिरे से कानूनों के बारे में सोचते हैं। क्या हर्ज है कहने, जब आप कहते हैं इतनी मजबूती से कि ऑप्शनल है, सरकारी मंडियां भी रहेंगी और प्राइवेट मंडियां भी खुलेंगी, तो आप एक बार इस सारी चीज को आप कहिए कि प्राइवेट मंडियों को भी वही नियम मानने होंगे जो सरकारी मंडियों को मानने होते हैं। सरकारी मंडियों का कोई आदमी प्राइवेट मंडियों में नौकरी करने नहीं जाएगा, ये मंडियां वैसी ही चलती रहेंगी। कुछ तो आप कहिए किसानों से, किसान आपसे आपकी बात सुनने के लिए आतुर हैं, और आतुर अभी तक नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अगले जनवरी तक हम आपको मौका देंगे, फिर वो कह रहे हैं कि हम आपको 2022 के चुनाव तक मौका देंगे, फिर वो कह रहे हैं हम आपको 2024 के चुनावों तक मौका देंगे। इसे राजनीतिक मत बनने, किसानों की समस्या राजनीतिक नहीं है, किसानों की समस्या इस देश की समस्या है। तो आज मैं आपको इतनी बातें कहकर मैं थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि आप अपनी कमजोरी छोड़ करके आप इधर उधर षड्यंत्रकारी बयान देते हैं और अपनी सारी जिम्मेवारी किसी एक बहुत कमजोर आदमी पर सौंप देते हैं कि इसकी वजह से देश में ये सब हुआ। आप इतना बड़ा अमला है, किस लिए तनख्वाह पा रहा है, किस लिए ट्रेनिंग इसको मिली हुई है, किस लिए ये काम कर रहा है, पता नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री को देश के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और उन लोगों के ऊपर थोड़ा कम हाथ रखना चाहिए जो भनैती कर रहे हैं, जो गाल बजा रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं। इस अनुरोध के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सवेरे उठ के हम सचमुच तनावों के बीच में जी रहे हैं, और तनाव को समाप्त करने का एक ही तरीका है, मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुराइए, सामने वाले को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दीजिए, यही तो आपका नैतिक औरा है। आप मुस्कुराइएगा, सब मुस्कुराएंगे, आप देखिएगा पूरी दुनिया मुस्कुराने लगेगी। तो आपसे विदा लेता हूं, और कोशिश करूंगा कि कल आपके पास फिर आऊं, तब तक आप देश में चल रही घटनाओं के ऊपर नजर रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय।